सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन राशन माफिया गरीबों के हक पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल संभल में राशन माफिया, आपूर्ति विभाग और संभल एसडीएम के साथ बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें शामिल हैं। यह खुलासा संभल के पावसा ब्लॉक के कई गांव के प्रतिनिधि और राशन डीलर ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह लोग मिलकर राशन की दुकान खत्म कर देते हैं और बाद में दलाल लगाकर डील करते हैं। करीब एक दर्जन गाँव में यह मामला चल रहा है। ये चाहते हैं कह तो मतलब डेट लगे तो ईमानदारी को प्रस्ताव हो, इसको वोट ज्यादा, इस किसी के ज्यादा वोट हो उसको प्रस्ताव उसी के नाम से हो जाए।